महाभारत का 116 एपिसोड मिल गया है। अभी आपके साथ देखते हैं। लास्ट एपिसोड में भाई साहब फिर से वो अंधे बादशाह ने ऐसा हुक्म दे दिया कि सारे भाई निष्कासित हो जाएं। अभी देखते हैं क्या होता है भाई। बड़ा महाभारत का ये ऐसा माहौल चल रहा है ना, हर बार लास्ट एपिसोड में झटका लग जाता है। तो देखें भाई लोग, जानना चाहते हैं क्या आखिरकार क्या होता है। मैं इस क्षण तुम्हें और तुम्हारे इस परिवार को राष्ट्र से निष्कासित करता हूँ, राष्ट्र से निष्कासित करता हूँ, राष्ट्र से निष्कासित करता हूँ। शीघ्र अति शीघ्र हस्तिनापुर का त्याग करके यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। निष्कासित कर रहे हैं काशी? किस अपराध का दंड दे रहे हैं आप हमें? अपराध? इतना बड़ा पाप करके तुम इस सभा में आए हो युधिष्ठिर, और मुझसे पूछते हो तुम्हारा अपराध क्या है? मेरे प्रिय अनुष्ठाता पांडु की आत्मा दुख और क्रोध से कांप रही होगी आज। मेरे पूर्वज लज्जा से आक्रांत करते होंगे तुम्हारे कारण। हमारा कार्य कोई पाप नहीं ताक्षरी। महर्षि कंडू की पवित्र पुत्री मारिशा ने 10 प्रचेताओं के साथ विवाह किया था। उस मारिशा ने प्रजापति दक्ष को जन्म दिया था ताक्षरी, और वहीं से सारी सृष्टि का आरंभ हुआ था। यदि एक से अधिक पुरुषों से विवाह करना ही पाप होता तो समग्र मानव समाज उस पाप का फल कहलाता ताक्षरी। पाप और पुण्य कार्य पर निर्भर नहीं होता, उस कार्य के पीछे आशय क्या है, अनाचार या धर्म, इस पर निर्भर करती है पाप और पुण्य की व्याख्या। किंतु जिनके लिए अनाचार ही पुण्य हो उनके पास पाप को समझने की बुद्धि कहां से आएगी? राता दुर्योधन हाथी अपने माथे पर धूल डालता दिखाई दे तो उसे अनाचार मत समझो। अपने शरीर पर बैठे जंतुओं से मुक्त होने के लिए उसे ऐसा कार्य करना पड़ता। मनुष्य के जीवन में भी कुछ संजोग ऐसे आते हैं जब उसे असामान्य उपाय ढूंढना पड़ता है। पितामह भीष्म ने भी यह स्वीकार किया कि हमारा कार्य धर्म संगत है। पितामह, मैं आपसे विनती करता हूं, आप कुछ कहिए। महाराज, कंपिल्य में किस प्रकार के संयोग उत्पन्न हुए इसकी जानकारी प्राप्त की है। इस विषय पर विदुर से चर्चा की, हर दिशा से इस स्थिति पर विचार करने के बाद और उस स्थिति से मुक्त होने के लिए दूसरे सभी मार्ग ढूंढने के बाद ही
उन्होंने ये निर्णय लिया। उनके इस निर्णय को महामुनि व्यास का आशीर्वाद है। ये कार्य अधर्म का है, किंतु फिर भी पांडुपुत्र और पांचाल राजकुमारी निर्दोष। इनके इस विवाह को स्वीकार करना ही उचित होगा। किसी भी स्थिति में मैं इनका स्वीकार नहीं करूंगा महामहिम भीष्म। नाम ले रहा है भीष्म जी का, हटिया गया महाराज जी। इसी के शब्द और राजा के निर्णय में भेद होता है ताक्षी। इसी समाज के सबसे उत्तम मनुष्य के लिए बोलते हैं, जबकि राजा के निर्णय समाज के सबसे दरिद्र, सबसे अज्ञानी और सबसे निम्न कोटि के लोगों को दृष्टि में रखकर लिए जाते हैं ताक्षी। और हस्तिनापुर का राजा हूं मैं, कुरु सम्राट धृतराष्ट्र। कल किसी अपराधी की अपराध प्रवृत्ति को बढ़ावा दे ऐसा कोई भी कार्य उसे स्वीकार नहीं है ताक्षी, उसे कदापि स्वीकार नहीं है। महाराज, हम पांच भाई अपनी पत्नी के साथ सारे समाज के सामने महाराज अग्नि परीक्षा देने के लिए सज हैं। अपराधी भी यह जान लेंगे कि अधर्म दिखने वाला कार्य करने पर अग्नि परीक्षा देनी पड़ सकती है। और महाराज, किसी बालक को भोजन में विष देकर नदी में डाल देना, किसी योद्धा को रंगभूमि में पहुंचने से पहले ही पत्थरों के नीचे कुचल देने का प्रयास करना, ये बता रहे लाख और घी से बने भवन में परिवारजनों को जला देने की योजना बनानी, ये सभी कार्य भी महाराज अपराधियों को बढ़ावा दे सकते हैं। सही बोला ना, अब क्या बोलेगा। इस प्रकार से विचार किया गया महाराज, तो हस्तिनापुर के सिंहासन पर कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। उसका बेटा है तो चुप करके बैठ गया।
महाराज। महाराज अब इसकी जरूरत है। मैंने तो कल रात को ही आपसे विनती की थी, मेरे भांजो मेरे बच्चों को मेरे साथ गांधार जाकर बसने की अनुमति दे दीजिए। आपके भतीजों के साथ मेरे भांजे एक ही नगर में वास नहीं कर पाएंगे महाराज। एक तो इतना बड़ा अधर्म किया है, ऊपर से आरोप लगा रहे हैं। छी 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 छी। मीना अभी ये उनको अधर्म का रूप दे रहा है और उन पर ही सारा इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये अधर्म करके आए और हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कमीने अब तक जो बचपन से लेकर अभी तक जो तुमने ये हरकतें की हैं उनको तो कोई देख ही नहीं रहा और दूसरों को कहता है, सारा इस शकुनी गया। इसको अगर पकड़ के वो डाल देना जेल में तो भाई शांति हो जाएगी। बाकी महाराज धृतराष्ट्र समझ नहीं रहे और युधिष्ठिर जी ने भाई सब कुछ उनको बता दिया कि आपका जब बेटा था वो जो इस तरह हरकतें करता था अगर इस तरह है तो फिर कोई युवराज नहीं बन पाएगा। भाई साहब उसी वक्त उनको भी झटका लग गया और बैठ गए। भाई देखेंगे क्या होता है। अभी तो भाई साहब बड़ा ये सियासत चल रही है इधर महाराष्ट्र की सभा में। शकुनी मामा का तो इसमें तो बात करने का है ही नहीं ना, वो तो उनके घर वालों का ही। ये तो कांधार का राज है, इसको क्यों बार बार ये बीच में टांगड़ा दे, इसकी ही गर्दन उड़ा दे ना। महाराज धृतराष्ट्र दुबे से ही अंधे हैं, पहले तो बोला अब चले जाओ यहाँ से निकल जाओ, फिर जब खुद के बेटे की बारी आई तो फिर भी वो भी बैठ गया। अब क्या होगा यार, ये तो हमें तो रुला दे रहा है ये एपिसोड भाई, कभी उस तरफ कभी उस तरफ, समझ में नहीं आ रहा हमें भी यार। हाँ यार बड़ा सेट वाला चल रहा है अब तो यार, कुछ कह ही नहीं सकते अब। पर ये बात अच्छी है, युधिष्ठिर ने सवाल उठा लिए भाई ये कि आपका भाई जो धृतराष्ट्र बेटा है उसने तो भाई बचपन में ही जहर दे के हमारे भाई को गिरा दिया था पानी में, वो क्या ठीक था क्या बचपन में? ये जो बातें की ना अब युधिष्ठिर ने भाई, मज़ा आ गया। ये जो हक की बात अब होगी ना यार, अब ज़बरदस्त माहौल बन गया है। अब ये उनकी आँखें दिखा रहे हैं ना, पहले तो ये खामोशी से चले भी जाते थे भाई, ये इनको राज्य भी नहीं चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए, पर अब ये सवाल उठा रहे हैं भाई, क्यों भाई आपने हमारे साथ इतना बुरा क्यों किया, अब मुझे बताओ। वो बैठ के झटके थे भाई, अब मज़ा आ गया यार।